बुर्का पहनी हुई मुस्लिम लड़की फिर से मिली हिंदू लड़के के साथ, हैदराबाद के टोली चौकी का मामला स्थानीय एनजीओ और मीडिया वालों ने किया पुलिस के हवाले। मेरा भाई कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आए दिन देश के किसी न किसी राज्य में और राज्य के किसी न किसी शहर में हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की, मुस्लिम लड़के के साथ हिंदू लड़की, ऐसे मामला सामने आ रहे हैं। एक और मामला सामने आया है हैदराबाद के टोली चौकी से। टोली चौकी में एक मुस्लिम लड़की बुर्का पहनी हुई एक हिंदू लड़के के साथ जा रही थी, स्थानीय लोगों ने उन्हें रोका। रोकने के बाद नारी निकेतन की प्रेसिडेंट है यहाँ की स्थानीय सफिया माही, इन्हें बुलाया गया और ये इनके साथ यहाँ की एक लोकल न्यूज़ टीम है मीडिया पावर न्यूज़, इन्हें भी बुलाया गया। किस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई यहाँ पर, इस लड़की को बाद में पुलिस के हवाले किया गया और इनका कहना है कि लड़का जो है वो वहाँ से फरार हो गया। ये सोशल मीडिया पर इनकी तरफ से, मीडिया पावर न्यूज़ की तरफ से जिस तरीके से इसका कंटेंट जो डाला गया है, लिख करके पूरा इसको जो शेयर किया गया है, वो जस का तस हम आपको दिखा रहे हैं। मगर कई व्यूवर्स के हमें फ़ोन आए ऐसे मामलों में, लड़की हिंदू हो या मुस्लिम हो, औरत हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन वो एक लड़की है एक औरत है, इस बात का सबसे पहले ख्याल रखा जाना चाहिए। ऐसी कई खास करके महिलाओं ने हमें फ़ोन करके बोला कि चाहे वो लड़की हिंदू हो, औरत हिंदू हो या मुस्लिम हो, धर्म बाद में आता है, वो लड़की और औरत पहले है, इस बात का ध्यान इन लोगों को रखना चाहिए और उसी हिसाब से उस लड़की और औरत से बातचीत का रवैया तरीका होना चाहिए और व्यवहार भी होना चाहिए। ऐसा ज़्यादातर जो है लोगों का, खास करके महिलाओं का मानना है। तो अब ये मामलात बढ़ते जा रहे हैं लगातार, हफ्ते भर में कहीं ना कहीं से दो तीन ऐसी खबरें आती रहती है, वीडियोस वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही ये वायरल वीडियो है टोली चौकी हैदराबाद का। मगर जिस बात से हम भी सहमत हैं कि युवती या औरत मुस्लिम हो या हिंदू हो, उसकी गरिमा का जरूर ख्याल रखा जाए और उससे बातचीत के दौरान जो है किसी भी तरह की अशालीनता और अभद्रता न बरती जाए, उस पर किसी तरह का जो है मेंटल टॉर्चर न किया जाए। सुनो सुनो, तो मुस्लिम नहीं है ना, बुर्का उतार दो। मुस्लिम नहीं है ना, बुर्का उतार दो। तो मुस्लिम नहीं है, नाम बोलो उसका। वीडियो ले, पूरा वीडियो ले। हम जा रहे हैं जब तक एक तुम्हारा नाम क्या है? वीडियो लेंगे। तू जा रहे भाई, तू जा। मुस्लिम नहीं है जी, तुम मुस्लिम नहीं है ना, वीडियो ले लो। तुम मुस्लिम नहीं है ना, बुर्का नहीं तो देंगे। बाबू, ये बच्ची मुस्लिम है। सुनो ठहरो, ये बच्ची मुस्लिम है, हिंदू है, दो बुर्का उतार के लेके जाओ। और लेके जाओ बुर्का उतार दो, चलो। नाम क्या है बोल, बच्ची मुस्लिम है, हिंदू है। अरे क्या पूछ रहे, गोलकुंडा में नहीं है, मुस्लिम नहीं है ना। निकालो बुर्का, निकालो। ये मेरा फोन है, तुम बंद कर दिए। कौन खोला वीडियो? नहीं नहीं बंद है उसका वीडियो, बंद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सोशल वर्कर सफिया माही, एनजीओ नारी निकेतन प्रेसिडेंट। आज एक और बुर्का पोश लड़के एक
गैर मजहब लड़के के साथ आज फिर पकड़े गए। आए दिन ये इशू होते जा रहे हैं और घर वालों को चाहिए कि अपने बच्चे बाहर निकल रहे तो उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करें, बच्चे कहाँ जा रहे, किससे मिल रहे, क्या कर रहे। आप लोग कॉलेज बोल के चले जा रहे, आप लोग घर में खामोश बैठ जा रहे। आए दिन रेप, बलात्कार, मर्डर, आए दिन केसेस हो रहे। तो पेरेंट्स को चाहिए कि आपके बच्चे अगर बालिक है, लोग कॉलेज वो कोई भी नाम से जा रहे, तो उनके साथ कोई एक जने छोड़ने और लाने के लिए जाइए, तो आपके बच्चों की आप हिफाजत करिए। और हुकूमत से भी हम गुजारिश कर रहे, आए दिन ये केसेस हो रहे, उसके खिलाफ आप लोग भी सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़। वहाँ के कुछ टोली चौकी के कुछ एरिया वाले हमको फ़ोन करे, ऐसा यहाँ पर एक इशू हुआ बोल के। आने के बाद मालूम हुआ कि बच्चा तो भाग गया, बच्ची गदवेल की रहने वाली है, बच्चा मेदक का रहने वाला है। और बच्ची ये बोल रही थी कि वो कॉलेज यहाँ पर आई बोल के। उसके वालदा को हम फ़ोन करें, फ़ोन करने के बाद उसके वालदा बोल रहे मेरी बच्ची यहाँ पड़ोस में कॉलेज है, कॉलेज पढ़ने गए। वालदा को मालूम ही नहीं कि उनकी बच्ची कहाँ पे। तो पेरेंट्स से हम गुजारिश कर रहे हैं, आपके बच्चे जब घर से बाहर निकल रहे तो आप लोग एक नज़र उन पर रखिए। अल्लाह अभी वो लड़की को हम लोग यहाँ गोलकुंडा PS को रिफ़र करें। अब इसके बाद जो भी कार्रवाई होती पुलिस वाले करेंगे। अल्लाह हाफिज़।